हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई एम अंडर द वाटर। आप पानी के अंदर रहो या आसमान की ऊंचाइयों में, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं। एनीवे, आज की वीडियो में हम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर 20 प्लस मॉड इंस्टॉल करेंगे, फिर देखेंगे हमारा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन जावा एडिशन जैसा बनता है कि नहीं। इन सभी मॉड का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारे मॉड्स पॉकेट एडिशन के साथ बेडरॉक एडिशन और क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में तो वर्क करेगा। तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें मेरा फेवरेट सर्फ शेडर इंस्टॉल किया। ये काफी ब्यूटीफुल शेडर है जो कि लो एंड डिवाइस में भी बिल्कुल लैग नहीं करता। वाटर एंड स्काई दोनों की क्वालिटी काफी ज्यादा एनहांस हो गई है। ग्रास लीव्स के साथ ऑलमोस्ट सारी चीजों में एनिमेशन भी आ गई है। बाकी शेडर का कलर एमसीपी के बाकी सभी शेडर से बेस्ट है। फिर मुझे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का यूआई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके लिए मैंने इंस्टॉल किया वीडीएक्स जावा यूआई। ये आपके पॉकेट एडिशन के यूआई को बिल्कुल जावा एडिशन जैसा कर देता है। वर्ल्ड लोडिंग स्क्रीन, इन्वेंटरी, कैमरा चेंज एंगल सभी को जावा एडिशन जैसा कर देता है। अभी हमने बस दो मॉड इंस्टॉल किया और हमारा गेम काफी ज्यादा ऑसम लगने लगा है। लेकिन ये जो कंट्रोल बटन है ना, इसकी वजह से साफ साफ पता चल जाता है कि हम पॉकेट एडिशन खेल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इनविजिबल कंट्रोल बटन मॉड इंस्टॉल कर दिया। इस मॉड में आप अपने कंट्रोल बटन को कम्प्लीटली इनविजिबल रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ऊपर वाले बटन को विजिबल भी कर सकते हो। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में अचीवमेंट्स होते हैं जिसे कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और गेम खेलने में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। एडवांसमेंट पैक जावा एडिशन के सारे अचीवमेंट्स पॉकेट एडिशन में डाल देता है, जिसे कंप्लीट करने में लिटरली बहुत मजा आता है। और ये सारे अचीवमेंट्स सेटिंग में कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और इस वाले मॉड के लिए आपको एक्सपेरिमेंट गेम प्ले भी ऑन करना पड़ेगा। देन F1 बटन मॉड से आप कंट्रोल बटन और इन्वेंटरी स्लॉट सभी को बस एक क्लिक में हाइड कर सकते हो। और ये सही में काफी ज्यादा यूजफुल मॉड है। लगे हाथ मैंने F3 बटन भी इंस्टॉल कर दिया। F3 बटन बहुत ज्यादा यूजफुल बटन है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, जैसे लाइट, बायोम, कोऑर्डिनेट और भी बहुत सारी चीजें। जैसे कि मैं अभी केव में हूँ तो अंडरग्राउंड ट्रू दिखला रहा है और लाइट 8 है अभी और पानी बरस रहा है इसलिए अभी रेनिंग ट्रू दिखला रहा है। फिर फर्स्ट चेंज बटन में क्रिएटर ने कोशिश की है इन्वेंटरी स्लॉट को दो छोटे छोटे बटन से ही काफी तेजी से मूव करने की, जिससे हमारा पीवीपी में स्किल भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होता है। जावा एडिशन में जूम करने का एक फीचर होता है, लेकिन वही चीज पॉकेट एडिशन में स्पाई ग्लास द्वारा किया जाता है। जूम बिहेवियर मोड से आप सिंपली क्राउच करके किसी भी चीज को जूम कर सकते हो, वो भी बिना किसी स्पाई ग्लास के ही। और साथ ही इसमें किस एक्शन पर जूम होना चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हम सभी को पता है जावा एडिशन में बोट क्राफ्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू पॉकेट एडिशन। जावा बोट क्राफ्टिंग एडन बोट की क्राफ्टिंग रेसिपी को चेंज करके जावा एडिशन जैसा बना देता है और अब से आप भी ड्रीम के जैसे MLG कर पाओगे। फिर जावा सिकन क्राउल मोड की मदद से मैंने जावा एडिशन के जैसे पॉकेट एडिशन में भी सिकन क्राउल का फीचर ला दिया। और अब आप 1.5 ब्लॉक, 1 ब्लॉक और 0.5 ब्लॉक में भी जा सकते हो। 1.5 ब्लॉक में जाने के लिए आपको नॉर्मली बस क्राउच करना पड़ेगा। 1 ब्लॉक में जाने के लिए क्राउच करके नीचे जमीन की तरफ देखते हुए स्किन को होल्ड करिएगा तो आप क्राउल हो जाइएगा। उसके बाद आप 1 ब्लॉक में भी इजिली जा सकोगे। और 0.5 ब्लॉक में भी जाने के लिए सेम जमीन पे देखते हुए क्राउल करना पड़ेगा। फिर मैंने लेफ्ट हैंड टॉर्च एंड रियल रिटर्न मोड को इंस्टॉल किया और अब हम इजिली अपने लेफ्ट हैंड में टॉर्च, लेक्टेन और भी कुछ आइटम्स को रख सकते हैं, जिससे काफी अच्छी डाइनिंग लाइटिंग भी मिलती है। और अपने राइट हैंड में कोई भी वेपन रख सकते हैं। इस वाली टॉर्च या लेक्टन को क्राफ्ट करने के लिए आपको बस नॉर्मल वाली टॉर्च या लेक्टन को इन्वेंटरी में कुछ इस प्रकार से रखना पड़ेगा। तो आपको एक न्यू टॉर्च या लेक्टन मिल जाएगी, जिसे आप अपने लेफ्ट हैंड में इजिली रख सकते हो। बाकी रियल राइट रिटर्न मोड से माइनक्राफ्ट में जितने भी लाइट वाले ब्लॉक होते हैं या आइटम्स होते हैं, उन सभी में डायनेमिक लाइटिंग आ जाएगी। और अब आप केव में बीकन, ग्लोस्टोन या रेडस्टोन ब्लॉक जैसे ब्लॉक को भी अगर केव में लेकर चले गए तो आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाएगी। कनेक्टेड ग्लास माइनक्राफ्ट के सारे ग्लास को क्लियर एंड कनेक्टेड टेक्सचर देता है, जो कि जावा एडिशन में तो ऑफ डिफाइन में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन पॉकेट एडिशन में मॉड डाल के ही काम चलाना पड़ता है। इस वाले ग्लास को क्राफ्ट करने के लिए आपको नॉर्मल वाले ग्लास को कुछ इस तरीके से इन्वेंटरी में रखना पड़ेगा तो आपको कनेक्टेड ग्लास मिल जाएगा। देन इस वाले ग्लास से आप जो भी चीज बनाओगे वो क्लियर एंड कनेक्टेड होगा। इस मोड में 4 डिफरेंट टाइप के टेक्सचर दिए गए, जिसे आप सेटिंग से इजीली चेंज कर सकते हो। फिर ड्यूरेबिलिटी व्यूअर से डेवलपर वेपन एंड आर्मर का हेल्थ देखना और भी ज्यादा इजी कर देता है। ये वाला फीचर तो जावा पे बहुत पहले से ही अवेलेबल था और ये सही में बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि किस टाइम पे हमें अपने आर्मर और वेपन को रिपेयर करना चाहिए। डैमेज इंडिकेटर माइनक्राफ्ट के सभी एंटिटी या विलेजर, मॉब या एनिमल ही क्यों ना हो, सभी का हेल्थ बता देता है। और अगर आप मल्टीप्लेयर खेलते हो तो आप अपने फ्रेंड का हेल्थ इजीली देख सकते हो और उसका हेल्थ कम है तो फाइट भी कर सकते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने वीडियो के ऑलमोस्ट 70% मोड को तो देख लिया और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देन हमने जावा कॉम्बैट को भी डाल दिया, जिससे हमारा कॉम्बैट स्टाइल बिल्कुल जावा एडिशन जैसा हो गया। और अब हम स्वैप करके भी किसी को मार सकते हैं और स्वैप करके मारने से हम एक अटैक में काफी सारे एनिमल्स को डैमेज दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी नॉर्मली हम बस एक बार में एक ही एनिमल को डैमेज दे सकते थे और अभी हम काफी सारे एनिमल को बस एक ही अटैक में डैमेज दे सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे वेपन का भी हेल्थ काफी बचता है। एंड फाइनली मैंने माइनक्राफ्ट के दो पॉपुलर मोड जावा एस्पेक्ट एंड ग्लोबल जावा पैरिटी पैच को भी डाल दिया। ये दोनों मोड बहुत ही ऑसम मोड है, जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर एकदम माइनर चेंज करता है। अभी आप वाटर भी देख सकते हो, जावा एडिशन के जैसे एकदम क्लियर हो गया है। माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी बग्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी बग्स को फिक्स भी कर देता है ये मोड। बाकी वेपन डैमेज, स्ट्रक्चर का जनरेट स्टाइल, ग्रास का जनरेट स्टाइल सभी को
को जावा एडिशन से बिल्कुल मैच कर देता है। अभी आप देख सकते हो ये सारे ग्रास को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जावा एडिशन में ही जनरेट हुआ है, और दूर दूर तक आप देख सकते हो सारे ट्री वगैरह जो भी है सभी एकदम जावा एडिशन से बिल्कुल मैच हो रहे हैं। बाकी ग्राफिक भी पहले से काफी हद तक बेटर हो गई, साउंड वगैरह जो भी था सभी चीजों को चेंज कर दिया गया, फॉग जो होता है वो भी एकदम बिल्कुल जावा एडिशन से मैच कर दिया गया। ये वाला मॉड जो अगर आप खेलोगे तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि इसमें कितनी सारी चीजें चेंज हुई है, और मेरा तो अभी से ये फेवरेट मॉड बन गया है। खैर इतनी सारी चीजें ऐड करने के बाद मैंने इसमें यूटिलिटी HUD को भी ऐड कर दिया गया, और लिटरली इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको चंक बॉर्डर, प्लेयर स्पीड, हेल्थ, आर्मर सभी चीजें देखने को मिल जाती है। और अब लेफ्ट हैंड वाला स्लॉट भी इन्वेंटरी स्लॉट के साइड में ही आ गया, जिससे हम काफी सारी चीजों को काफी फास्ट कर सकते हैं। बाकी चंक बॉर्डर इनेबल करने के लिए आपको गेम को थर्ड पर्सन में रखना पड़ेगा और अपने लेफ्ट हैंड में कोई एरो रखना पड़ेगा तो आपका चंक बॉर्डर इनेबल हो जाएगा। बाकी इसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स है जिसे आप सेटिंग से इजिली चेंज कर सकते हो। आप सभी को पता होगा जावा एडिशन में एक्सरे का फीचर होता है जिससे हम वर्ल्ड को एक्सरे करके देख सकते हैं। एक एक्सरे MCP में एक्सरे मॉड इनेबल कर देता है, और अब आप इजिली पता लगा सकते हो कहाँ पर माइनिंग करने से आपको डायमंड मिलेगा और कहाँ पर माइनिंग करने से आप लावा में गिरोगे। बाकी इसके अंदर भी आपको 8 डिफरेंट टाइप की सेटिंग देखने को मिल जाती है, पता नहीं क्यों है पर है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको माइनक्राफ्ट जावा का एक पॉपुलर मोड देना चाहता हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ हार्डकोर मोड की। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें एक और मरे तो खत्म। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इतना सारा मॉड डालने के बाद इसे ऑलमोस्ट जावा एडिशन जैसा बना दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए। और हाँ, डिस्कॉर्ड पर इन सभी का मीडिया फायर लिंक है तो ज्वाइन कर लेना। तो फिर मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।